इंदौर से भोपाल के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन अब नागपुर तक चलेगी। सोमवार को पहले दिन ट्रेन इंदौर से अपने निर्धारित समय सुबह 6:30 बजे रवाना हुई और दोपहर 2:30 बजे नागपुर पहुंची। वंदे भारत ट्रेन का नागपुर रेलवे स्टेशन में लोगों ने स्वागत किया। यह ट्रेन सोमवार से शनिवार तक सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ट्रेन का इटारसी, भोपाल और उज्जैन में स्टॉपेज रहेगा। इस वक्त स्टेशन मास्टर ने कहा कि यह ट्रेन लोगों की सुविधा के लिए काफी अच्छी साबित होगी। नागपुर भोपाल इंदौर जो वंदे भारत है उसका आज यहाँ से जो हरी झंडी दिखाई जाएगी और नागपुर से भोपाल और भोपाल से इंदौर वंदे भारत की जो है ये ट्रेन आज यहाँ से नागपुर से छूटने वाली है। तो हम जानते हैं ये ट्रेन को जो चलाने वाले हैं उनसे हम जानते हैं कि क्या कैसा लग रहा है आपको। वंदे भारत ट्रेन इससे पहले आपने चलाई है? हाँ, वंदे भारत चलाई है और बहुत अच्छा एटमोसफियर स्पेसियस है, पॉशिंग पॉश है, साफ सफाई अच्छी है, स्पीड अच्छा है, ब्रेकिंग अच्छा है, सभी बातों में मतलब जो अभी फिलहाल जो चल रही है उनसे सभी बातों में अच्छी है, स्पेसियस है और बाकी सभी चीजों में अच्छा है। बिल्कुल, तो वंदे भारत की कुछ स्पेशलिटी है तो इस ये जो वंदे भारत है वो नागपुर से भोपाल और इंदौर, भोपाल से इंदौर कितने घंटे में पहुंचाएगी, क्योंकि जो नॉर्मल ट्रेन है और इसमें क्या फर्क है? नॉर्मल ट्रेन लगभग उनका जो शेड्यूल टाइम है वो करीबन करीबन 6 घंटे पौने 6 घंटे चले जाता है। ये गाड़ी के टाइमिंग के हिसाब से कम आधा घंटा 40 हॉल्ट होते हुए, तो दूसरी गाड़ियों का जैसे राजधानी के हॉल्ट नहीं है, इसमें हॉल्ट होते हुए भी गाड़ी उससे कम समय में आधा घंटा कम समय में पहुंचेगी। क्या रफ्तार से ये ट्रेन जो है चलने वाली है? अभी फिलहाल तो 130 से चलती है। और कितने स्टॉपेज रहेंगे? यहाँ से पहला बैतूल, इटारसी और भोपाल। थैंक यू, आपको बहुत बहुत शुभेच्छाएं आपके आगे की जर्नी के लिए। तो हमने देखा कि ये वंदे भारत यू तो वंदे भारत अब इंडिया में जो है बहुत चल रही है, लेकिन नागपुर से जो इंदौर और भोपाल के लिए जो ट्रेन है उसमें वंदे भारत आज जो है यहाँ से छूटने वाली है। आपको बता देते हैं कि वंदे भारत की सीटिंग जो है हम सभी को अब नॉर्मली पता है, लेकिन हम ये जो नागपुर से इंदौर भोपाल जाने वाली जो वंदे भारत है आप देख पा रहे हो, इसमें पैसेंजर जो है अपने अपने सीट पे जो हमें दिखाई दे रहे बैठे हुए कुछ पैसेंजर से हम उनसे जानना चाहेंगे कि वंदे भारत ट्रेन से वो इंदौर और भोपाल के लिए निकलने वाले हैं, कैसा लग रहा है आपको इस ट्रेन में? मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ उज्जैन। अभी देखिए क्या आनंद होता है यात्रा का, फिर आगे आपको विस्तार से बताएंगे जब यात्रा हमारी खत्म होगी। तो बट अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है, अभी तो अच्छा ही लग रहा है। नागपुर से यस एकदम बढ़िया सुपर। मिसियन के यात्रियों से बात की तो यात्रियों ने इस नई सुविधा का दिल खोलकर स्वागत किया है, साथ ही ट्रेन से समय की बचत और सुविधाजनक होने की बात की है। My name is Krishna. I have traveled this second time. I am traveling by this train. First time I have traveled from Jabalpur to Bhopal and Bhopal to Jabalpur. It was a nice experience. So we are proceeding to Bhopal now. मेरा नाम राकेश मिश्रा है, मैं भोपाल से हूँ और मैंने कई बार वंदे भारत में सफ़र किया है। भोपाल टू ग्वालियर हमेशा जाता रहता हूँ, महीने में 2 बार, और नागपुर से भोपाल ही मेरा फर्स्ट टाइम है ट्रिप। इसमें कैसा लग रहा है ये सुविधा जो नागपुर से अब शुरू हो गई है भोपाल के लिए? बहुत अच्छा है, हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि अक्सर मीटिंगें होती रहती है। जैसे अभी मेरी मीटिंग फिनिश हुई तो अब मैं 8 बजे पहुँच जाऊँगा घर भोपाल। ट्रेन से जो सफर का मतलब लंबा सफर तय करना पड़ता था चंद ही घंटों में? हाँ, 4-5 घंटे का सफ़र लगता है, कंफर्टेबल है और खाना वाना भी मिल जाता है, थोड़ा बहुत भूख लगा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सुविधा की है मोदी सरकार ने। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चौहान है और मेरी मीटिंग आज 3 बजे ख़त्म हो गई और वैसे मुझे होल नाइट सफ़र करना पड़ता, लेकिन वंदे भारत के कारण मैं 8:30 बजे ही पहुँच जाऊँगा। तो मेरा मैं भोपाल जा रहा हूँ, तो बेस्ट नागपुर आना पड़ता है। हाँ, अक्सर हम लोगों की हर मंथ मीटिंग होती है। नागरिकों के लिए बहुत अच्छी सेवा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का ये संकल्प है वंदे भारत चलाने का। अभी तक एक वंदे भारत चल रही थी नागपुर बिलासपुर इन बैक, है ना, और अब इंदौर से भी भोपाल को यहाँ एक्सटेंड किया गया है। स्वागत है, पैसेंजर को बहुत अच्छी सुविधा हो गई है इंदौर जाने के लिए। सप्ताह में 6 दिन है एक्सेप्ट संडे को छोड़ के, बाकी सभी वर्किंग डेज में चलेगी। अब यहाँ नागपुर से बैतूल, बैतूल से इटारसी, इटारसी के बाद भोपाल, उज्जैन और फिर इंदौर। जी, यह सुविधा भले ही महंगी है मगर लोगों के लिए सुविधाजनक साबित हो रही है। अब जरूरत है कि बाकी ट्रेनों को भी इसी तरह विकसित किया जाए और आम जनता को भी यह सुविधा मुहैया किया जाए।
नागपुर से भोपाल इंदौर जाने वाली वंदे भारत जो ये ट्रेन है, इसमें हमने देखा कि पैसेंजर ने अपने जो एक्सपीरियंस है इससे पहले वंदे भारत को लेकर शेयर किए, साथ ही साथ अब नागपुर से ये जो वंदे भारत की सुविधा हुई है भोपाल और इंदौर जाने के लिए, ये काफी इसकी सराहना की जा रही है क्योंकि बहुत यहाँ से जो है पैसेंजर होते हैं और कम समय में उन्हें भोपाल या इंदौर जाना रहता है, तो उसके लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन जो है बताया है। साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से ये ट्रेन चलने वाली है, 130 की रफ्तार से ये ट्रेन जो है चलने वाली है और बहुत ही कम से कम समय में नागपुर से भोपाल और इंदौर ये जो यात्री है उन्हें पहुंचाने वाली है। तो आप भी इसका इस सफर का आनंद ले सकते हैं। वंदे भारत जो ट्रेन है नागपुर से भोपाल और इंदौर के लिए अब नागपुर से शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।